हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल जीवन शैली विद सारिका आई होप माय फैमिली इज डूइंग ग्रेट आप सभी आपके घर में बहुत स्वस्थ बहुत पॉजिटिव हैं सो गाइस टुडे अगेन आई एम कमिंग विद अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी क्योंकि देखिए आप सबने मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे होंगे मैं वेकेशन पर गई थी एंड माई स्किन वॉज लाइक वर्स गाइज मतलब इतना ज्यादा टैनिंग हो रखा है क्योंकि आपने मेरे आ, मतलब प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं आउटसाइड जो कुछ मतलब एक होता है कि आप लोग कहीं घूम रहे हैं बट यू आर इन ए सी एरिया एंड इन अ रूफ बट जहां पर हम गए थे दैट वाज जू जू तो zoo में मतलब आपको पता ही है कि वहां पर शेल्टर एंड यू नो इतना छाव नहीं थी सो फुल डे ऑलमोस्ट आई थिंक सिक्स टू सेवन आवर्स जो थे वो हमने स्पेंड किए धूप में एंड उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था गाइस की स्किन बिल्कुल जल चुकी है सो so, मैंने फिर घर कर जो है एक डी टैन पैक जिसको मैं दो बार यूज कर रही थी एंड मेरा स्किन ट्रस्ट मी 50 परसेंट मुझे उस चीज में जो है मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक बट नहीं 50 परसेंट जो स्किन है वो सही हो रहा है अदरवाइज लाइक पैचेस पैचेस कहीं पर ऐसा लग रहा था कि बर्निंग पिम्पल्स बहुत ज्यादा हो गए थे ब्रेकआउट आ रहे थे सो so, मैंने एक गाइज डी टैन पैक जो है वो इसके लिए बनाया उसको आज मैंने दो बार यूज कर लिया तो मुझे लगा चलो नाउ अ राइट टाइम कि मैं आप लोगों के साथ उस डीटा पैक को शेयर करूं सो so, चलिए गाइज बहुत डिले नहीं करते हैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट क्या है कैसे यूज किया सो so, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट गेट स्टार्टेड So देखिए इस pack को बनाने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट यूज करे हैं जस्ट बिकॉज में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स अपनी जो स्किन होती है ना वो इस सीजन में उसके साथ नहीं कर सकते हैं ऑल्सो मैं बहुत से लोगों को सुन रही हूँ मेरे वीडियोज पर बहुत से मैसेजेस देख रही हूँ कि मतलब आजकल जो है वो ब्रेकआउट्स का इशू बहुत हो रहा है राइट सो देखिए Uh, जो डी टैन पैक हम बनाएंगे ये बहुत ही मैंने स्मूथ से इंग्रेडिएंट लिए हैं सो दैट कि वो हर स्किन पहली बात तो चाहे आपकी जितनी मर्जी सेंसिटिव स्किन हो इस पैक का किसी भी स्किन टाइप के ऊपर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा एंड ये बहुत हार्श भी नहीं है सो so, जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम गाइज इस आ, मतलब इस रेमिडी को बनाने के लिए यूज करेंगे दैट इज ओट मील येस जो खाने वाले हम ओट्स जितना बेनिफिट उनका खाने का है उतना ही बेनिफिट उनको स्किन पे अप्लाई करने का होता है आप एक बार लगाकर देखिएगा आपने बहुत से

आप मतलब एक्सपोलेट आपकी स्किन को ये करेगा एंड सेकेंड चीज जो मैं इसमें यूज करूंगीन विच इज वेरी स्मूथ इसमें बहुत सारी यू नो लैक्टिन एसिड होता है वाइटामिन ई e होता है तो ये भी आपकी स्किन की जो डेड जो अंदर मतलब वो गंदगी फंस गई थी पूरा दिन गाइज मैंने कितने टिश्यूज जो थे वो uh, मतलब यूज uh, कर लिए होंगे फेस को मतलब हिसाब ही नहीं था यू ऑल एवरी वन नोज आजकल जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कितना डल होता जा रहा है राइट सो नाउ दिस इज द राइट टाइम आप एक बार इस पैक को यूज करके देखिए ट्रस्ट मी यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट मैंने दो बार यूज करा है मेरा स्किन जो यहां यहां तो गाइस ऐसा लग रहा था कि स्किन में जल चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ कि um, हम लोग जो है वो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों में तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतनी गर्मी को बर्दाश्त किया जाए बट uh, आकर जब मैंने मेरे फेस को देखा तो इतना काला मतलब इतना नेक में डिफरेंस इतना ही बाजुओं का बुरा हाल था एंड ऑल्सो एक चीज और बता दूं आज जो मैंने आपको पैक बताना बताया है आप इसको नेक एरिया आप इसको आर्म्स आप इसको लेग्स पे यूज कर सकते हैं सो so चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन कि इसको हमने बनाना कैसे है इनग्रीडियंट मैंने आपको बता दिए ओनली टू इनग्रीडियंट बहुत ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिएगा बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं बस प्रिपरेशन देखते हैं सो so, ये देखिए इस रेमेडी को बनाने के लिए ये लिए हैं मैंने ओट्स एंड ये लिया है मैंने बटर मिल्क मेरे पास एक्चुअल में प्रॉपर बटर मिल्क नहीं था तो मैंने दही जो है उसको पानी में डाल के अच्छे से इस तरह से ब्लेंड कर लिया है अभी मैं क्या करूंगी मुझे इसको ग्राइंड करने से पहले ये जो ओट्स हैं इनको मैं इसमें डाल देती हूं ठीक है थोड़ी देर हम इसको मिक्स होने देते हैं मतलब मिक्स करके छोड़ देते हैं सो दैट कि अच्छे से सोक कर ले फिर ये ब्लेंड करने में जो है ना वो काफी ज्यादा इजी हो जाएगा ठीक है तो ये देखिए ओट्स को मैंने दही में मिक्स करके जो है टू टू थ्री मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी आफ्टर दैट मैं इसको ब्लेंड करूंगी और अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो हम रोज वाटर या हम प्लेन वाटर जो है वो इसमें डाल सकते हैं सो so चलिए इसको दो मिनट के लिए छोड़ देते हैं मैंने इसको जो है वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया है अभी मैं इसको अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लू सो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है बहुत ज्यादा हमें इसको बारीक नहीं करना है सो अभी हम ले लेंगे इसको एक बॉलिंग जार में जार में सॉरी एक बाउल में मैंने इसको ले लिया है अभी जो है वो फेस क्लीन करके थोड़ा अगर एक्स्ट्रा बना है तो आप उसको रख सकते हैं ये देखिए ये एक इतना बढ़िया डी टैन पैक बनकर रेडी हुआ है देखिए वेदर चल रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फेस एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ हम बहुत सिंपल से तरीके से जो है वो अभी हम जो है फेस को डी टैन इस पैक को लगाएंगे सो चलिए अभी मैं आपको एप्लीकेशन करके बताती है ये हमारा फेस पैक बनकर रेडी है ये फेस बिल्कुल क्लीन है आप देख सकते हैं नेक भी कितना जो है वो मेरा अनइवन uh, शो हो रहा है एंड ये ये जगह ये जगह देखिए इतनी मतलब uh, monsoon, monsoon नहीं ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रखा है तो सबसे पहले मैं इसकी एक मोटी सी लेयर अपने फेस पर लगा लूंगी इस पैक को मैं दो बार करने वाली हूं इस तरह देखिए लगाते ही ऐसे लग रहा है काला हो गए हैंड से करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें इसको हम एक्सपोलेट कर मतलब अपनी स्किन की डेड लेयर और जो ये टैनिंग वाली लेयर है इसको निकालने के लिए कर रहे हैं ओ माय गुडनेस सी द ब्लैकनेस गाइस तो ये जब हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना इस तरह से पहले थिक लेयर लगा के थोड़ी देर आपको छोड़ देना है एंड हैंड से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एंड दिस इज फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन क्योंकि बहुत ज्यादा टर्निंग मेरे फेस पर हो गई है गर्मी की वजह से ठीक है अच्छे से मैं इसको मेरे नेक एरिया पर भी लगा लूंगी ये देखिए ये जगह भी मतलब क्या होता है ना आपने जितना जितना स्किन आपकी लाइक like, दिख रही होती है हो, उस सारी पे ही गर्मी की वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा आपने देख ही लिया है मेरे ब्लॉग्स uh, में कि मैंने किस तरह की गर्मी जो है वो खाई है स्किन भी मेरी जो है वो मतलब ऐसे लग रहा था कि स्किन ही जल चुकी है सो चलिए अभी टाइम फॉर रिपेयरिंग घूम भी लिए मजा भी आया लेकिन स्किन की थोड़ी सी हालत खराब हुई लेकिन नो टू वरी इसको हम ठीक कर लेंगे अभी इस तरह से पैक लगाइए फिलहाल दो से थ्री मतलब टू टू थ्री मिनट इसको जस्ट छोड़ दीजिए चलिए फिर स्क्रबिंग अभी ये थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है अभी दिस इज़ द राइट टाइम अपने हाथों को मैंने वेट कर लिया है आप चाहें तो यहाँ पर रोज वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं सो नाउ इट्स टाइम फॉर मसाजिंग और स्क्रबिंग योर स्किन अच्छे से आपको आपकी स्किन को मसाज करना है इट्स नाउ अप टू यू कि आप कितना टाइम आपकी स्किन को जो है वो दे सकते हैं नक एरिया पे मैं बाद में कर कर लूंगी अभी फिलहाल वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको मेन दिखा देती हूं ये देखे माय गुडनेस लॉट ऑफ डर्ट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैक हर स्किन पर जाएगा hmm. जितना भी डर्ट है सभी आपके स्किन से आप देखिएगा निकल आएगा ऑल्सो हंड्रेड परसेंट नेचुरल सी ओ माय गुडनेस आप देख नहीं सकते अभी मेरा शायद इसमें इतना विजिबल नहीं हो रहा है गाइस आप खुद करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कितनी गंदगी जो है ये स्किन से निकाल रहा है सो इस तरह से आपने जो है वो अच्छे से अपनी फेस को मसाज कर लेना है ठीक है मैं अभी थोड़ा सा टाइम अपने फेस को और दूंगी लेकिन मैं सारा भी दिखा नहीं पाऊंगी तो इस तरह से आप करिएगा मसाज ठीक है नेक एरिया पे कर लीजिए हैंड्स पे कर लीजिए वैसे ये वाला जो स्क्रब है आप

का कोई भी किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा सीवियर पिंच ऑफ टर्मरिक इसमें यूज कर सकते हैं ठीक है रेस्ट दिस पैक इज वेरी गुड तो गाइज आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें सो थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर बाय